हेलो गाइस, केम छो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, आपके अपनों के अपने चैनल पे और उनके अपनों के अपने चैनल पे जो है वो गाओ बात। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है रमजान का बरकत वाला महीना हमारे साथ जुड़ चुका है, तो सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को। और साथ ही साथ आप सबको ये भी पता है कि नवरात्रों के शुभ दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी छोटे बड़े भाइयों को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत से डीएम्स आ रहे थे कि भाई रमजान आने वाले हैं, अब रमजान में हम वर्कआउट करें कि नहीं करें, करें तो वर्कआउट क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, तो ढेर सारे सवाल, लेकिन समीर भाई सिर्फ एक। तो हमने सोचा भाइयों के सारे सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो के थ्रू देंगे। सो गाइस, मैंने ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए निकाल दी है रमजान सीरीज। जी हाँ, रमजान सीरीज में पहली चीज हम कवर करेंगे रमजान डाइट। सबसे पहली चीज जो है लोगों को परेशान करती है, छोटे बड़े भाइयों को परेशान करती है कि यार क्या खाना है, जब खाएंगे तो ढंग से वर्कआउट भी कर पाएंगे, अच्छा पंप भी फील कर पाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे रमजान डाइट। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आप जल्दी से जाओ, एक पेन लेकर के आओ और साथ में एक पेपर लेकर के आओ, और जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से उस चीज को नोट करो ताकि आप वो चीज को फॉलो कर पाओ। सो गाइस, सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे यहां पर सहरी, जो कि सहरी होती है आप सभी को पता है, उसमें हमारा मील वन रहेगा। मील वन में हमको लेने हैं 50 ग्राम ओट्स। 50 ग्राम ओट्स जो हम लेंगे वो हम मिल्क ओट्स भी ले सकते हैं या फिर मसाला ओट्स भी ले सकते हैं। जो भाई मिल्क ओट्स लेंगे, मैं उनको बता दूं कि उन्हें मिल्क ओट्स में क्या क्या ऐड करना है। नॉर्मली जैसे हम ओट्स बनाते हैं वो वैसे ही बनेंगे, बस आपको उसमें चीनी ऐड नहीं करनी है। चीनी की जगह हम 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे, यानी कि शहद ऐड करेंगे, ठीक है। शहद के साथ साथ हम अपने उस मिल्क ओट्स में ऐड करेंगे हाफ पॉमिग्रेनेट, यानी कि हाफ आधा अनार, ठीक है। आधे अनार के साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे हाफ स्मॉल एप्पल, ठीक है गाइस। इस चीज का खास ख्याल रखना, जो एप्पल आप ऐड कर रहे हो मेक श्योर कि उसका पील आपको रिमूव करना है, उसका छिलका आपको हटाना है, फिर आपको उसको ऐड करना है अपने ओट्स में। तो पहली मील में पहली चीज हमारी हो गई मिल्क ओट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो मिल्क ओट्स भी हो सकते हैं या फिर मसाला ओट्स हो सकते हैं। जो छोटे बड़े भाई मसाला ओट्स प्रीफर कर रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो उस मसाला ओट्स में 150 ग्राम ऑफ वेजीज ऐड कर सकते हैं उसको और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। तो पहली मील में पहली चीज हमारी ओट मील हो गई। सेकंड चीज हमारी रहेगी जो है 5 egg whites। जी हाँ, 5 उबले हुए अंडों का सफेद वाला हिस्सा वो हमको लेना है, दूसरी चीज जो हमारी पहली मील में है। पहली मील में तीसरी चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, जो आपको एक दिन पहले लेकर के रखनी पड़ेगी रोजा रखने से, वो है हमारा कोकोनट वाटर। जी हाँ, कोकोनट वाटर हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा हमारी बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए, हमारी बॉडी कूल डाउन रखने के लिए। सो गाइस, कोशिश ये करना कि अपनी डाइट में इस वाली फर्स्ट जो मील मैंने आपको बताया इसमें कोकोनट वाटर होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास प्रोटीन है, आप प्रोटीन यूज करते हो, तो इस वाली मील में आप ऐड कर सकते हो। ये हमारी हो गई सहरी मील, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो। अब हम आएंगे अपनी सेकेंड मील पे। सेकेंड मील पे आपको आपके दूसरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, जो कि भाइयों का सवाल था कि भाई वर्कआउट करने कब जाएं। जी हाँ, वर्कआउट करने जो जाना है आपको अपना सेकंड मील लेकर के जाना है। जी, जब हम रोजा खोलेंगे तो रोजा खोलते आपको ये मील लेना है, और इस मील के फौरन बाद नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के फौरन आपको जिम की तरफ जाना है
और जो वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करना है। सो गाइस वो आगे वीडियो में कवर अप होगा, लेकिन हम अभी सेकंड मीम की बात करते हैं। सेकंड मीम में पहली चीज रहेगी हमारे डेट्स यानी कि खजूर। दो खजूर आप ले सकते हो जो कि सुन्नत है और लेना अच्छा भी है, वो आपको हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी मील में दूसरी चीज आपकी रहेगी 150 ग्राम ऑफ पोटैटो। जी हाँ, आपको कोई पकौड़ी नहीं खानी, कोई तले हुए कचरियाँ और ये बहुत सारी चीजें पराठे वगैरह कुछ नहीं खाना। आपको सेकंड मील लेनी है पोटैटो। वो पोटैटो आपके यानी कि 150 ग्राम आलू जो है वो आपके उबले हुए हो सकते हैं या फिर आप उसको ग्रिल कर सकते हो या कुछ भी जैसे आपको बेहतर लगे, बट उसमें कोई ऑयल यूज नहीं होगा। इस चीज का खास ख्याल रखना, कोई सॉसेज यूज नहीं होंगी। आप उसको नॉर्मली स्टीम कर सकते हो, फिर बेक कर सकते हो, वो आपके स्वाद अनुसार। वो क्या है ना, अकड़ औकात अनुसार और नमक स्वाद अनुसार ही अच्छा लगता है। सो गाइस दूसरी मील में थर्ड चीज यानी कि तीसरी चीज हमारे पास आती है एग वाइट्स। 5 एग वाइट्स आपको लेने हैं। 5 एग वाइट्स के साथ साथ आपको लेना है 1 ऑरेंज जो कि थोड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके साथ आपको ऐड करना है 1 कोकोनट वाटर, 1 नारियल पानी जो कि बहुत जरूरी है। ये आपकी ओवरऑल सेकंड मील हो गई जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर प्री वर्कआउट में। तो इस चीज का खास ख्याल रखना, ज्यादा हमें बहुत सारा खाना नहीं खाना है, बहुत सारा पानी नहीं पीना है। बहुत से छोटे बड़े भाई क्या करते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं और बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जिसके बाद उनको फील होता है बहुत ही कि यार अब हमें नींद आ रही है, अब हमसे कोई काम नहीं हो रहा। तो कोशिश ये करना कि सेकंड मील आपकी जो मैंने बताया है, जितना ग्राम मैंने इसमें बताया वो आपको एज इट इज लेना है। अब हम जाएंगे सीधा वर्कआउट करने। जब हम लोग वर्कआउट करेंगे तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, हमें हर सेट के बाद बीच बीच में वाटर इनटेक करते रहना है, सिप सिप करके। यानी कि वर्कआउट करते हुए बहुत सारा पानी भी नहीं पीना, सिप सिप करते हुए हमें वाटर इनटेक करना है। जब हम वर्कआउट करके आएंगे, अब टाइम आता है हमारा थर्ड मील लेने का। तो थर्ड मील में मैं आपको बता दूं, ये हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर पोस्ट वर्कआउट मील। आप थर्ड मील में ऐड कर सकते हैं अपना 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। अगर आपके पास प्रोटीन है तो आप 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन लेने के बाद आपको ऐड करना है 150 ग्राम ऑफ राइस यानी कि 150 ग्राम चावल, 200 ग्राम ऑफ ग्रिल्ड फिश यानी कि 200 ग्राम आपको ग्रिल्ड फिश ऐड करनी है। अरे मच्छर, मछली की बात हो रही है, टांग अड़ा रहे हो बीच में, कमाल करते हो मच्छर बाबू। हाँ तो कहाँ थी मछली, जल की रानी पे थे हम। 200 ग्राम्स ऑफ ग्रिल्ड फिश लेना है हमें, जिसमें कि हम उसको ऑलिव ऑयल के साथ ग्रिल करा सकते हैं। और इसमें ज्यादा हमें कोई बटर नहीं लेना। प्लीज मेरे छोटे बड़े भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मेरे भाई जरा इस रमजान के महीने में मक्खन, घी, कोरमा, बिरयानी इन सब चीजों से बचे रहना, वरना पेट नहीं रहेगा, पीटी कोट हो जाएगा मेरे भाई। प्लीज देखो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कभी रुआफजा पीने चले गए, कभी शरबत पीने चले गए, कभी लस्सी पीने चले गए, खाने का 8 नहीं बनाना, खाने का 4 ही बना रहने दो, ताकि आपका 8 ना बने और आप एक फिजिक में रहो और आपका थोड़ा सा फैट रिड्यूस हो जाए और मसल मेंटेन रहे। तो हम जैसे कि मैंने आपको तीसरी मील में पहली चीज बताई राइस, दूसरी चीज बताई ग्रिल्ड फिश, तीसरी चीज बताई मैंने ग्रीन वेजीज, और चौथी चीज यहाँ पर जो हमारी रहेगी यानी कि फोर्थ आइटम हमने यहाँ पे इंक्लूड करी है, ऐड करी है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 मील में, ऊपर जो 3 मील थी सब में मैंने कोकोनट वाटर दिया है। सहरी में कोकोनट वाटर लेना है, मील सेकंड में प्री वर्कआउट मील में कोकोनट वाटर लेना है, थर्ड मील में आपको पोस्ट वर्कआउट मील में कोकोनट वाटर लेना है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कोकोनट वाटर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यू कांट बिलीव गाइस, कि मैंने खुद प्रैक्टिकली इस चीज को नोट किया है, बहुत हेल्प करता है कोकोनट वाटर। और फोर्थ चीज इधर आपकी फोर्थ मील आती है आपकी, जो कि आप थर्ड मील के बाद लेंगे आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का गैप लेके आप ये अपनी फोर्थ मील ले सकते हो। फोर्थ मील में पहली आपकी चीज रहेगी 100 ग्राम ऑफ राइस।
राइस के साथ आपको ऐड करना है 200 ग्राम ऑफ चिकन। 200 ग्राम ऑफ चिकन जब आप खा लेंगे, इसके साथ में आपको ऐड करना है 100 ग्राम ऑफ कुकुम्बर। फोर्थ मील में फोर्थ चीज जो है आपकी है योगर्ट। योगर्ट आपको अपनी इस फोर्थ मील में याद से ऐड करनी है। योगर्ट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, ये आपको हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल स्ट्रांग रखने में। सो गाइस, इस चीज को आपको जरूर ऐड करना है। अगर आपको योगर्ट नहीं मिल पा रही है कहीं से, अरे मच्छर बाबू चले जाओ, हमारे हाथों आपकी हत्या हो जाए। हम नहीं चाहते रमजान के इस बरकत वाले महीने में आपकी हत्या हो जाए हमसे। योगर्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप समवेयर अराउंड 100 ग्राम्स आप दही ऐड कर सकते हो। जब आपको फोर्थ मील ली हुए 20 मिनट हो जाए तो आप अपनी डाइट में ऐड करना 200 ml सत्तू का जूस। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। सत्तू के जूस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको इधर बता दूं। सत्तू का जूस हेल्प करेगा आपको आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में, साथ ही साथ ये आपको एनर्जी पूरी प्रॉपर देगा थ्रू द डे जो आप रोजा रख रहे हो, और आपकी बॉडी को कूल रखेगा ताकि आपको ज्यादा प्यास ना लगे। और कोशिश ये करना सभी छोटे बड़े भाई लोग कि ज्यादा बाहर का ना खाएं। देखो, ये जो मैंने डाइट बताई है, ये डाइट को आप फॉलो करो और एक महीने की बात है, एक महीने में आप देखना काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये सच में मैंने खुद पे ये चीजें ट्राई की हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग छोटे बड़े भाई, जैसे कि आपके सारे डीएम्स में क्वेश्चंस थे, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इन सब चीजों को फॉलो करो। और चलता हूँ गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा सीरीज टू में, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो टू में कि आपको कैसे वर्कआउट करना है, कितने सेट्स लगाने हैं, उसके कितने रैप्स रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और माँ बाप की अपनी इज्जत करो। रमजान का महीना है, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, छोटे बड़े भाइयों की इज्जत करो, और गीबत से बचो, बुराई से बचो, दूसरे की तरक्की से खुश होना सीखो, जलना मत सीखो। गाइज ख्याल रखना, चलता हूँ तब तक जब तक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। हमारे पास आओ, हम आपकी बॉडी बनवाएंगे, क्योंकि हम हैं वर्कआउट वाला।